आपको दिखाते हैं, बाहर में ये देखो उस्ताद यहाँ पे हैं। ये दोस्तों को नई मशीन अभी यहाँ पे आई है, देखो ये सैनिक की मशीन दोस्तों, ये नई है, आप लोग देख सकते हैं पूरा नई है। और देख लो इधर कितना गजब लग रहा है। तो दोस्तों चलते हैं, देखो ठीक है तो चले फिर, चलो लेट्स गो। हाँ चलो भाई चलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को मेरे दोस्तों। हेलो हाय एवरीवन, सुन रहा जी ब्लॉग में आपका स्वागत दोस्तों। दोस्तों मैं फिर आ गया न्यू वीडियो आप लोग बीच में दोस्तों, मेरे वीडियो बने रहे दोस्तों। लास्ट में मैं दिखाता हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तों की कैंपिंग टेंट जो दोस्तों होता है, जो दिखाते हैं लोग, जो लोग दिखाते हैं 2000 रुपये वाला कैंपिंग टेंट दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कैंपिंग टेंट, देसी कैंपिंग टेंट। ठीक है, मेरे वीडियो बने रहे दोस्तों लास्ट तक, मैं दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में दोस्तों की कैंप कैसे बनता है कैंपिंग टेंट। ठीक है, हम लोग बना के किस तरह रहते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे बरसात चाहे गर्मी चाहे जो हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे वीडियो दोस्तों लास्ट तक बने रही है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यार, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मेरे वीडियो में दिखाता हूँ आपको कि कैंपिंग टेंट किस तरह से बनाते हैं हम लोग, देसी बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, मेरे वीडियो में लास्ट बन रही है। और दोस्तों अभी तक आप लोग देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ, खदान के ऊपर हूँ दोस्तों, जो हमारा निकलता है बालू निकलता है, रेता निकलता है दोस्तों, है आप लोग दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों खान है, आप लोग देख सकते हैं पूरा चारों तरफ खान ही है, निकलता है रेता निकलता है, बजरी निकलती है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में इसको बोलते हैं बजरी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पूरा। अभी दोस्तों काम बंद हो चुका है, इधर देखो सब गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि दोस्तों दीपावली आ गई है, आप लोग भी पता है आज दीपावली दोस्तों है। और आप लोग देख सकते हैं दीपावली में सारी मशीन, मेरी मशीन यहाँ पे खड़ी है, एक मशीन देखो वहाँ पे खड़ी है, देखो इधर ट्रैक्टर खड़ा, पानी डालता रोड पे, मतलब धूल ना उड़े। ठीक है, वहाँ पर डंपर खड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो बने रहिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको सारा प्रोसेस किस तरह से काम होता है, कैसे क्या काम होता है, और कैंपिंग टेंट जो होता है दोस्तों किस तरह लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इधर भी मशीन खड़ी है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग नहाते हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर, इधर हम लोग नहाते हैं इधर इस साइड में। और वहाँ पे देखो टैंक पानी पीने वाला, वहाँ जो चलता है इंजन चलता है दोस्तों पानी भराने के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा खदान कितना गहरा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों लोडिंग चलती है, और जानते हैं आपकी बजरी में दोस्तों कहीं भी जब चलाओगे तो ज़्यादा गहरा थोड़ा करोगे तो उसमें से पानी निकलने लगेगा। ठीक है, बजरी में पानी निकलता है, ऐसी बात नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं पानी निकल चुका है हमारे यहाँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों दिखाते हैं कि आपको कैंपिंग टेंट हमारा कैसा होता है, कैसा नहीं होता, मेरे बजे बने दोस्तों लास्ट दिखाते हैं आपको। ठीक है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अरे भाई कहाँ मिठाई डाले मशीन में यार, एक ही तो मशीन, एक ही डाले, एक ही डिब्बा यार। तुम बोलो तो मेरे के लिए, मेरे मशीन में मेरा डाल दिया। मजाक नहीं लगता, लग चला गया क्या एक डिब्बा यार? हाँ लग तो रहा हमको भी यार, क्या चीज़ है मेरे मशीन में डाल। ये देखो लोग क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बैठ गए पूजा कर रहे तुम लोग। ये देखो दबंग है भाई, देखो इधर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं देखो कितना गजब लग रहा है ना, जम रहा तुमको लेकिन यार चश्मा, हाँ जम रहा तुमको चश्मा यार, लेकिन मस्त लग रहा है। कोई मजबूरी था तो दोस्तों हमारा देखो एक कैंप है, हम लोग यहीं सोते हैं, ऑपरेटर लोग यहीं सोते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यही सब कैंप है हमारे, हम लोग यहीं पे रहते हैं। ये देखो भाई लोग क्या कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इधर हो गया। तो सर रास्ता पर खराब हो गया दोस्तों कीचड़ से, इसलिए कीचड़ को साफ कर रहे हैं दोस्तों, रास्ता पर साफ होते हैं। इधर ज्यादा पानी हो गया ना इसके साथ।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मछली मार चुके हैं दोस्तों, क्योंकि ये छोटा सा गड्ढा था दोस्तों, उसमें देखो लमसम दोस्तों ये कम से कम 1.5 kg मछली होगा ना लमसम। आप लोग देख सकते हैं 1.5 kg लमसम मछली होगा दोस्तों। और हम लोग देखो मशीन से मारे किस तरह से, आप लोग देख सकते हैं पूरा। और आप लोग भी इस तरह मशीन से मारिए मछली, ठीक है मछली दोस्तों। इंजन लगा कोई जरूरत नहीं, मशीन से मारा पकड़ लगा के, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं उधर पानी तो कैसे निकल रहा है, देखो अभी दोस्तों पानी वहां से निकल ही रहा है, ठीक है। इसलिए सब मछली दोस्तों इसमें बिला जा रही है और ज्यादातर नहीं मिल रही है, लेकिन ज्यादा छूट जा रही है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं और चलेंगे दोस्तों ऊपर, इसको बनाएंगे। कहाँ जा रहे हो सर, कहाँ जा रहे हो सर? तो ले चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैंपिंग टेंट दोस्तों के कैसा है। देखो आप लोग दिखाते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे बरसात चाहे गर्मी दोस्तों, हम लोग इसी में सोते हैं, इसी में रहते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इधर, ये रहा हमारा कैंपिंग टेंट, ठीक है। लोग जो दोस्तों दिखाते हैं 2000 रुपये वाला, 2000 रुपये में क्या होता था, पूरा फोल्ड हो जाता पूरा। ये हमारा देखो क्या है, उधर से भी खुला उधर से खुला, गर्मी मिली है बहुत अच्छा है, ये हवा भी पास करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देख सकते हैं इधर बिस्तर भी लगा है, देखो दो खाट लगा इसे पड़े हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सोते, देखो इसे आप देख सकते हैं इस तरह से सोते हम लोग हैं, ठीक है। देखो हमारे कैंपिंग टेंट किस तरह बनाए हम लोग हैं, वो पल्ली लाके दोस्तों, पल्ली लाके बनाए हैं। कभी कपड़े के भी बनता है, मैं अभी वो भी दिखाऊंगा आप लोग, मेरी वीडियो बनेगी दोस्तों। तो बिस्तर सब लगा है, सारी व्यवस्था में पड़ा है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख सकते इधर सारा व्यवस्था लगा हुआ है। तो दोस्तों मेरी वीडियो बनी है, मैं और दिखाता हूँ कैंपिंग टेंट दोस्तों कैसा है, ठीक है। तो दोस्तों चल रहे हैं दूसरे कैंपिंग टेंट के पास, जहाँ हमारा खाना बनता है और जहाँ हमारे सेठ जी रहते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाएंगे दोस्तों कि हमारे यहाँ खाना कैसे किस जगह बन रहा है कैंपिंग टेंट में, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ दोस्तों वहीं पे, आप दिखाता हूँ आप लोग, देखो इधर। और पहली बात दोस्तों आप इधर देखो कितनी खेती होती है, देखो पूरा मस्त खेती हरी भरी कोई इधर हो रही फिलहाल, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं बहुत गजब है, इधर देखो सब बो दिए हैं, सब खेती देखो पूरा सब रेडी कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरा मस्त लग रहा दोस्तों मेरे को, क्योंकि दोस्तों आप जान रहे हैं कि ठंडी का मौसम आ गया, तो जाहिर सी बात है कि आप सब खेती करेंगे, गेहूं की और सरसों की, पालक और जो भी देखो ना सब वो हैं। और इधर देखो दोस्तों इंजन चल रहा है। और दोस्तों एक बात यह है कि यहाँ पे दोस्तों एक कुएं में दो दो इंजन लगते हैं, आप दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं बेटे बने दोस्तों मैं दिखाता हूँ। देखो एक कुआं है, ठीक है, एक कुआं है, एक कुएं में दो दो इंजन, एक इंजन वहाँ पे, एक इंजन वहाँ, और दोनों दोस्तों चलता है, ऐसी बात नहीं चलता है। आप लोग देख सकते हैं चल रहा है अभी, ठीक है, एक चल रहा है, वो पानी निकाल रहा है, पानी निकल रहा है। ये देखो गाड़ी है जिनका कुआं है ना, और उनका देखो गाड़ी यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक इंजन पे दो दो मतलब ये कुएं पे दो दो इंजन लगाते हैं, आप लोग खुद देख लीजिए, देखो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, ठीक है। पानी चल रहा है इसमें से, खेत की सिंचाई कर रहा है इसे दोस्तों, खेती इसमें होती है दोस्तों है। अब दूसरे का इंजन है, दूसरे का इंजन है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या दोस्तों खेती की सिंचाई करते हैं और बढ़िया फसल उगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं खेती भी इधर मस्त हो चुकी है। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने कैंपिंग टेंट में, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये मेरा गेट है, यहाँ से कोई कुछ हल नहीं सकता है, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इसको है। तो इसको मैं अंदर आ गया हूँ दोस्तों, और दिखाता हूँ दोस्तों कि हमारे जो सेठ जी यहाँ पे रहते हैं, दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसमें हमारे सेठ जी रहते हैं, जो कैंप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कैंपिंग टेंट दोस्तों बोलते हैं। और ये देखो कपड़े वाला दोस्तों है, ठीक है, कपड़े वाला, बारिश भी हो तो भी नहीं भीगा, कुछ भी बारिश हो बरसात हो कुछ भी ठंडे हो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देख सकते इधर, तो दोस्तों हमारे यहाँ सेठ जी सोते हैं, यहाँ पे रहते हैं सेठ जी मुनीम जी जो भी रहते हैं, मतलब यहाँ पे रहते हैं हम लोग। तो मतलब हमारा रूम दूसरा जगह है, देखो ये देखो है, देखो आप लोग देख सकते हैं कितना गजब है कैंपिंग टेंट। ये दोस्तों कपड़े का है, ठीक है, ये कपड़े का है, मतलब जो फौजी लोग नहीं भाई सब लेकर चलते हैं वही है। और इधर देखो बिस्तर है। अब दोस्तों दीपावली आ गई, छुट्टियों के सब लोग घर चले गए, हमें अकेले बचे हैं, दो आदमी यहाँ पे हैं, और यहाँ पे बिस्तर देखो तीन खाट यहाँ पड़ी है, तीन आदमी यहाँ पे सोते हैं लोग हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे बेटे बने रही है, मैं दिखाता हूँ तीसरा, मैं जो जहाँ पे मेरा खाना बनता है मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरे बेटे बने रही है दोस्तों, लास्ट तक दिखाते हैं कि जहाँ मेरा खाना बनता है। रात में दोस्तों हम लोग यहाँ खाना बना रहे थे दोस्तों, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में से रहना पड़ता है, देखो इधर। इसमें दोस्तों हमारा खाना बनता है, आप लोग देख सकते हैं कैंप, ठीक है। और इधर देखो मैदान, देखो यहाँ दोस्तों हरी भरी खेतियाँ, देखो कितनी मस्त लग रही है, देखो इधर गजब लग रहा है दोस्तों, लेकिन इधर ठीक है आप लोग देख सकते हैं पूरी खेती का नजारा। और मैदान भी है, खेती भी अच्छी तरह होती है दोस्तों है। अभी तो खेती चल रहा है, जब हो जाएगा तो दिखाएंगे आपको। ये देखो मेरा मेस है, यहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं, ठीक है। ये देखो चावल वावल बना था इसमें जो भी हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा खाना बनता रहा, ये हमारा रसोई घर है दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पे सिलेंडर सब रखा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ खाना बनाते हैं, खाते हैं और ड्यूटी वहाँ पे करते, जो आपको दिखाते खदान हम लोग वहाँ ड्यूटी करते हैं। दोस्तों एक कैंप ऐसे ही होता है और अभी मैं वो भी दिखाऊंगा दोस्तों, जहाँ पे हम लोग सोते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम ऑपरेटर लोग सोते हैं वहाँ पे कैंप दिखाऊंगा, ठीक है। मेरी वीडियो बने दोस्तों लास्ट तक, मैं दिखाता हूँ सारा प्रोसेस किस तरह से होता है। तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं और शाम हो गई है, 7 बज गए दोस्तों, अंधेरा हो गया, देखो इधर चारों तरफ, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम कम्बल ले जा रहे हैं दोस्तों सोने के लिए, ठीक है, टाइम हो चुका है। देखो दोस्तों ये कैसा हो रहा है, देखो पूरा फ्लैट मजे ले रहे हैं तो पूरा फ्लैट है भाई, देखो इधर, ठीक है दोस्तों। वीडियो में यही समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।